जय हिंद। एक बार फिर से मेरी वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हमारा जो टॉपिक होगा वो रहेगा हमारा लिस्ट ऑफ डार्क रूम एक्सेसरीज एंड अदर इक्विपमेंट। मतलब कि क्या हुआ है, जो आपका डार्क रूम में एक्सेसरीज होता है और जो इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट की लिस्ट क्या क्या होती है। इक्विपमेंट का जो मतलब होता है, इक्विपमेंट का मतलब होता है आपका उपकरण। कोई भी जो वहाँ पे सामान होते हैं जिससे हम प्रोसेसिंग या किसी भी चीज़ में यूज में लाते हैं, वो आपके इक्विपमेंट में मेंटेन होते हैं। तो हम एक एक करके इसके वीडियो के बारे में आपको समझेंगे। ये वीडियो आपकी 5 से 10 मिनट या 12 से 12 मिनट तक होगी। इस वीडियो में आपको पूरा डार्क रूम के टॉपिक के बारे में डिस्कस हो जाएगा कि क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, क्या क्या लिस्ट होती है। जो इस वीडियो के नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना लेंगे, डीप वीडियो है। और बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के। द नंबर ऑफ इनविजिबल एक्सेसरीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एक्सरे प्लांट्स एंड नंबर ऑफ रेडियोग्राफिक डन पर डे इन इच डार्क रूम। फॉर अ डार्क रूम सेंटरिंग टू 2 एक्सरे रूम द लिस्ट ऑफ एक्सेसरीज नीडेड आर द फ्लोइंग। मतलब कि हम बात करते हैं जो इनविजिबल हमारे एक्सेसरीज डिपेंड करते हैं वो किस पे करते हैं, हमारे नंबर ऑफ एक्सरे प्लांट्स पे करते हैं और नंबर ऑफ रेडियोग्राफर पे करते हैं कि पर डे डार्क रूम के अंदर कितनी रेडियोग्राफर आ रहे हैं। फोर के लिए, मतलब एक डार्क रूम के लिए। फोर मतलब होता है के लिए, फोर का मतलब क्या होता है के लिए। तो फोर डार्क रूम स्कैटरिंग टू एक्सरे रूम, मतलब कि एक डार्क रूम के लिए क्या क्या चाहिए होता है, 2 एक्सरे रूम चाहिए होता है। द लिस्ट एक्सेसरी नीडेड द आर द फॉलो। नेक्स्ट इक्विपमेंट में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रोसेसिंग टैंक्स 3 नोज नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड 9 लीटर to 13.5 लीटर कैपेसिटी फॉर डेवलपिंग रिंजिंग एंड फिक्सिंग। मतलब कि क्या होता है, जो आपका प्रोसेसिंग टैंक होता है, जो क्या होता है प्रोसेसिंग टैंक होता है, वो क्या होता है, कितना होने चाहिए, तो आपके 3 होने चाहिए। किसके लिए, डेवलपिंग के लिए, रिंजिंग के लिए एंड फिक्सिंग के लिए। और जो उसकी कैपेसिटी होती है, क्या चीज़ होती है, कैपेसिटी होती है 9 लीटर से 13.5 लीटर तक उसकी कैपेसिटी होती है। सेकेंड पॉइंट है, स्क्वायर और राउंड सेफ लाइट और ग्रीन और रेड फिल्टर ग्लास 2 नोज नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। मतलब कि क्या होता है, आपका जो रेड लाइट होना चाहिए किसी भी डार्क रूम में, वो या तो ग्रीन होना चाहिए या आपका रेड होना चाहिए। लेकिन जो मोस्टली यूज होते हैं वो आपका क्या होते हैं, रेड यूज होते हैं। और ये 15 वाट तक के रेड यूज काम में लिए जाते हैं, जो क्या होते हैं स्क्वायर एंड राउंड सर्कल के जैसे होते हैं, जो सेफ लाइट आपकी यूज करी जाती है। 3 बेंच है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है आपका वुडन बेंच ऑफ द साइज ऑफ 4x2 एरिया एंड 3 हाइट 1 इंच ड्राई बेंच। मतलब कि जो एक सूखा बेंच होता है जहाँ पे हम कोई भी इक्विपमेंट रखते हो, कितना होना चाहिए, 4 तो उसकी क्या होनी चाहिए, 4x2 एरिया होना चाहिए एंड 3 फीट की उसकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और इसकी 4 की लेंथ होनी चाहिए एंड 2 की इसकी लंबाई होनी चाहिए। और ये कितना होना चाहिए, 1 आपका ड्राई बेंच वहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद है आपका मेसनरी मास्टर टैंक विथ वाटर सप्लाई एंड ड्रेंज 1 वेट बेंच। मतलब कि एक क्या होना चाहिए, आपका वेट बेंच 1 होना चाहिए। वेट बेंच मतलब होता है पूरा जो आपका गीला इक्विपमेंट, जो भी हम प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी इक्विपमेंट रखते हैं, कोई भी डस्टर रखते हैं, उसके लिए आपका एक वेट बेंच जरूरी होता है, जो वहाँ पर मास्टर टैंक एंड वाटर सप्लाई में जो ड्रेनेज मतलब होता है नाली, तो वहाँ पर 1 होना चाहिए वेट बेंच। एंड वाश बेसिन विथ वाटर सप्लाई 1, जो आपका वाश बेसिन होना चाहिए, वाश बेसिन का जो स्ट्रक्चर हो जाए वहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिसमें कंटिन्यू क्या हो, आपकी वाटर की सप्लाई हो और जहाँ पे टैप लगा हो, टैप के अपने के हिसाब से हम उस वाटर को खोल सके और बंद कर सके। 6 पॉइंट है आपका स्टील अलमीरा फॉर स्टोरेज ऑफ फिल्म्स एंड एक्सेसरीज 1। मतलब कि क्या है आपका, एक स्टील अलमीरा होनी चाहिए स्टोरेज, और जो फिल्म की एक्सेसरीज के लिए आप 1 पॉइंट रख सकते हैं। 7 पॉइंट है ब्लैक और ब्लू ब्लैक कर्टेंस एंड डूस एंड विंडो 2। मतलब कि आपकी ब्लैक काले रंग की और नीले रंग की आपकी ब्लैक कर्टेन यानी कि काली कर्टेन होनी चाहिए जो दरवाजे और विंडो के लिए। 8 पॉइंट आपका स्टूल्स और चेयर और रेस्टिंग 2। मतलब कि क्या आपका चेयर्स और जो स्टूल्स होने चाहिए वो आपके 2 होने चाहिए। ट्यूबलाइट बल्ब और वाइट लाइट फिक्सर 1, जो ट्यूबलाइट होनी चाहिए या जो वाइट लाइट होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, जो क्या है आपका सेंटर में उसका यूज होता है। सीलिंग फैन और पेडिस्टल फैन 1, मतलब कि जो सीलिंग फैन होता है या पेडिस्टल फैन जो टेबल फैन की तरह माना जाता है वो होता है, वो आपकी एक्सरसाइज में 1 आपकी होनी चाहिए। तो ये 10-12 पॉइंट आपके जो भी डार्क रूम में यूज होते हैं वहाँ पर लगाने चाहिए।
जो भी ये नोट्स है डार्क रूम में, ऐसे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये नोट्स आप बना सकते हैं पूरे, मतलब कि जो जो हमने अब तक फोकस कराया उस चीज़ को हमने अपनी स्लाइड में शो कराया, तो इस चीज़ से आप नोट्स बना सकते हैं। हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, प्रोसेसिंग टैंक होने चाहिए 3, जिसमें से डेवलपिंग रेंजिंग एंड फिक्सिंग के लिए, जिसकी कैपेसिटी 9 लीटर से 13.5 लीटर तक होती है। दूसरा आपका सेफ लाइट होना चाहिए स्क्वायर एंड राउंड सर्कल का, जो रेड एंड ग्रीन फिल्टर ग्रीन होता है। वुडन मैंच होना चाहिए जिसकी हाइट डायमेंशन होगी आपकी 4x2 एंड 3 हाइट होगी, एक होगा। फिर मास्टर टैंक एंड वाटर सप्लाई के लिए ड्रेनेज होनी चाहिए, वास बेसिन होनी चाहिए वाटर सप्लाई के लिए। छठा पॉइंट आपके स्टील अलमीरा होनी चाहिए। सातवां पॉइंट आपके कर्टेन होने चाहिए ब्लैक विंडो या डोर के लिए। आठवां पॉइंट स्टूल्स और चेयर होनी चाहिए रेस्टिंग के लिए। नौवां पॉइंट ट्यूब लाइट बल्ब और वाइट लाइट फिक्सर होना चाहिए। दसवां पॉइंट आपका सेलिंग फेरो और पेडेस्टर फैन होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, यहाँ पे 11th पॉइंट आपका एक्सटेड फैन फिक्सर एंड वाइट प्रूफ प्रोटेक्शन नंबर, जो आपका जो जैसे कि कोई अगर कूल हवा अंदर लाता है और जो अंदर की ह्यूमस निकालता है, वो एग्जस्टेड फैन होते हैं जो आपके घर नॉर्मल घरों में लगाया जाता है, वो एक होना चाहिए और जो लाइट प्रूफ से प्रोटेक्शन करें। चेस्ट स्टैंड जो होना है, चेस्ट स्टैंड एक होना चाहिए, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है, तो इसलिए डार्क रूम में चेस्ट स्टैंड लगाओ या ना लगाओ उसका रोल नहीं माना जाता, तो एक चेस्ट स्टैंड होना चाहिए। फिर होना चाहिए लीड लेटर्स एंड नंबर लेफ्ट एंड राइट मार्कर 2 सेट, मतलब कि जो आपका राइट मार्कर होता है एंड लेफ्ट मार्कर होता है वो क्या होना चाहिए, 2 सेट किसी भी डार्क रूम में होना चाहिए, जिससे कि हम अगर कोई प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं तो उस पर वो मेंशन करके हम ले जा सकें। एक्सरे व्यूइंग बॉक्स होने चाहिए 2, एंड केमिकल डेवलपर एंड फिक्सर के लिए 2 सेट होने चाहिए, 2 सेट होने चाहिए, 2 पैकेट पहले से रेडी होने चाहिए कि अगर कोई भी केमिकल ख़त्म होता है तो हम उसके लिए तैयार कर सकें, जो डेवलपर एंड फिक्सर के लिए माना जाता है। इसके बाद देखेंगे आप, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे साइज एक्सरे कैसेट फिल्म, यहाँ पे हैंगर्स दिखा रखे हैं आपको, साइज़ क्या है आपका एक्सरे कैसेट और फिल्म हैंगर्स की, और यहाँ पे कैसेट विस फिल्म हैंगर टाइप्स। यहाँ पे जो साइज़ है आपका 15x12 है, 12x12 है, 12x10 है, 10x8 है, 8.5x6.5 है। कैसेट की साइज़ है वो 8 इंच, 4, 10, 10, 10। फिल्म्स होगी इसमें 100 होगी, 50 होगी, 100 होगी, 100 होगी, 100 होगी। हैंगर्स क्लिप टाइप्स हो गया 16 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। तो ये आप इसका एक ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बना के किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे इस स्लाइड को नोट्स को शो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में आपके सामने एक इमेज आ रही है, जिसमें आपका चेस्ट स्टैंड फोर मॉडल जो आज के टाइम का है, मेटल फ्रेम, इंटेंसिफाई स्क्रीन, क्लिप्स, ओपन कैसेट एंड हैंगर्स, इसके बारे में एक इमेज शो करी गई है। यहाँ से आप इस इमेज को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की देखेंगे, यहाँ पे एक राउंड सेफ लाइट दी गई है, स्क्वायर सेफ लाइट दी हुई है। स्क्वायर वाली सेफ लाइट आज के टाइम में ज़्यादा यूज होती है, और ये राउंड सेफ वाली लाइट होती है जो हमने लास्ट वाले पॉइंट में इसे एक्सप्लेन करके आपको समझाया था। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिया गया चैनल टाइप हैंगर एंड क्लिप टाइप हैंगर क्या होते हैं। ये क्लिप होती है, और ये आपका चैनल टाइप हैंगर में ये हैंगर होता है, ये आपका रिटर्निंग ग्रिप होती है, ग्रूव फ्रॉम फिल्म होता है, एंड होल्ड्स फॉर ड्रेनेज होता है, और ये चैनल टाइप हैंगर होता है। इसके बाद आप देखेंगे आगे डार्क रूम एक्सेसरीज होते हैं, ये 50 फिल्म का पैक होता है, ये डेवलपर होता है, फिक्सर होता है, केमिकल होता है पूरे के पूरे जो आते हैं, और ये 50 फिल्म का पैकेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, यहाँ तक ये वीडियो थी। इस वीडियो में आपको कोशिश करी हमने कि आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है, जो भी डार्क रूम में एक्सेसरीज होती है उस नोट्स को आपको क्लियर करे गए, एंड उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखवाए गए, 5 एंड 10, 15 पॉइंट। अगर किसी भी एग्ज़ाम में कोई सा भी पॉइंट डार्क रूम के रिकॉर्डिंग पूछ लिया जाए, आपका डार्क रूम के रिकॉर्डिंग कोई भी नोट्स पूछ लिया जाए, एनी हाउ जैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसमें से अगर आप इन 15 में से डार्क रूम में अगर 15 पॉइंट लिखाते तो 5 नंबर देने से, 5 में से 5 नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये आपकी एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप सबको क्लियर लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, बस अपना प्यार हमारे पे इसी तरह बरसाए रखना। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।